तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। हमारे साथ हैं टीएमयू के डॉक्टर नवनीत जी, वाइस प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, जिन्होंने हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया में अपना प्रोजेक्ट पैटर्न कराया है। सर, आपका जो पैटर्न पब्लिश हुआ है, ये किस प्रोजेक्ट पे हुआ? ये प्रोजेक्ट था जो कि टीएमयू की हेल्प से हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली एक 19 साइंटिस्ट की टीम है जिसमें हम लोग मिलकर काम किया है, और चूँकि जो कि हमारे बहुत सोसाइटी में जो थेफ्ट वगैरह होते हैं, ये प्रोजेक्ट उस पर बनाया गया था, जिसमें कि केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लोगों और केमिस्ट्री, कई सारे लोगों की टीम, 19 लोगों की टीम थी जिन्होंने हम लोग इससे काम किया है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली हम घरों में थेफ्ट को बचाने के लिए कर सकते हैं। उसको एक सिस्टम है, जो सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे अपने मेन डोर पर, और अगर कोई फोर्सफुली या फिर मास्टर की से उसको खोलने की कोशिश करता है, तो इसमें से एक जेल स्प्रे होगा उस थेफ्ट, उस जो भी पर्सन उस चीज़ को कर रहा है, और वो जेल जो कि हमारी डिस्कवरी है, जो कि हमारा पेटेंट है, उस वो जेल ऑलमोस्ट 20 to 34 मंथ तक उस पर्सन की स्किन में रहेगा वो। और अगर इन केस उस दिन वो नहीं भी पकड़ा जाता है, आफ्टर सम टाइम अगर उसको पकड़ा जाता है, तो जैसे ही जेल स्प्रे होगा वो एक बार कोड बन जाएगा सिस्टम में, और वो बार कोड सेव रहेगा, जो कि हम दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस को। और अगर इस तरह का कोई पर्सन पकड़ा जाता है, तो उसको हम अल्ट्रावायलेट रेंज में रख के पता कर सकते हैं, उस कोड को मैच कर सकते हैं और उस थेफ्ट को पहचान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में कितने लोगों की आपकी टीम थी और कितना टाइम लगा? इस प्रोजेक्ट में हमारी 19 लोगों की टीम थी, जिसमें कुछ साइंटिस्ट बाहर से भी हैं, और इसको हमें काम करने में ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स लगे। ऑलमोस्ट अभी तक ही काम चल ही रहा है, और आगे भी इसमें और काम करने हैं, और जो हमारा मेन पर्पस था उस जेल को डिस्कवर करना, वो हमने कर लिया है। ये किस तरह से काम करता है? बेसिकली जेल इनकॉर्पोरेट होता है स्किन में, स्किन सेल्स में, और रहता है। पहले भी इस तरह के पेटेंट हुए हैं, लेकिन उसमें जो जेल पहचानने की जो टाइम लिमिट रहती थी वो बहुत कम होती थी, शॉर्ट टाइम के लिए होता था, जिससे कि जो थीव्स होते हैं वो बच के निकल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 या 2 मंथ का अगर टाइम है तो हम उसमें डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने जो डेवलप किया है, जो हमारी टीम ने डेवलप किया है, उसमें वो 20 to 34 मंथ तक ऑलमोस्ट रहता है स्किन में, तो हम उसको काफ़ी लंबे समय तक डायग्नोस कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम बाद पकड़ा जाता है, मान लीजिए 6 महीने बाद किसी को अगर आपने सस्पेक्ट पकड़ा है, तो सस्पेक्ट को हम डायग्नोस कर सकते हैं और उसके खिलाफ पुख्ता प्रूफ पुलिस को दे सकते हैं। तो एक जेल स्प्रे होगा जो थीफ के बॉडी में चला जाएगा और अगले 36-34 मंथ तक उसकी बॉडी में रहेगा जी, और हम उसको अल्ट्रावायलेट सिस्टम में ला करके स्कैन कर सकते हैं उस बार कोड। जैसे ही वो जेल स्प्रे करेगा जी, एक बार कोड डेवलप होगा हमारे सिस्टम में, वो बार कोड अगर कोई सस्पेक्ट पकड़ा जाता है, आप उस बार कोड को हम पुलिस को देंगे कि ये बार कोड है, और जैसे ही यूवी रेंज में उसको हम करेंगे तो वो बार कोड मैच कर जाएगा उस जेल से। इसका मतलब है कि वो उस टाइम पे, उस थेफ्ट के टाइम पे वो थीफ वहाँ पे या वो पर्सन वहाँ पे मौजूद था, जिससे कि हम सोसाइटी में इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो इससे जो आपका प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा? देखिए, इंडियन सोसाइटी में जैसा कि हम जानते हैं, थेफ्ट बहुत ही कॉमन है, तो अगर हम लोग इसमें, अभी हमारा काम चल रहा है, इसमें सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हम इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है अभी जी। तो हम इसको मिनिमाइज़ करने की और काम कर रहे हैं, ताकि मिनिमाइज़ हो तो और हर आम आदमी के रीच में पहुँचे ये, और इसको हम अपने घरों में इंस्टॉल कर सकें। इस पर काम चल रहा है अभी। घर, ऑफिस और इनके अलावा और कहीं यूज़ कर सकते हैं? हाँ, जहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई अगर ज्वेलरी शॉप है, कुछ और है, कुछ जहाँ पे थेफ्ट हो सकता है, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम को। ये जो प्रोजेक्ट है, कम्प्लीटली यूज़ में कब तक आ पाएगा? अभी इस पर काम चल रहा है, अभी हमारा केवल पेटेंट पब्लिश हुआ है। होपफुली विद इन आफ्टर वन ईयर या 1.5 ईयर हम इसको एक कंक्रीट फॉर्म में बना के गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे इस चीज़।